हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम सब लोग। आई होप तुम लोग बढ़िया होगे और बढ़िया ही होगे वैसे तो, क्योंकि तुम मेरी ऑडियंस जो। जैसा कि अपने को पता है कि माइनक्राफ्ट की लाइव हुई थी 15 अक्टूबर को रात को 10:30 बजे, जिसमें एक लोग काफी खुश दिखे मुझे। और माइनक्राफ्ट 1.21 में बहुत सेक्सी अपडेट आने वाले, पर एक बुरी खबर के साथ। पर शुरुआत हम लोग अच्छी खबरों से करेंगे, क्योंकि मैं तुम लोगों को गर्म करके ठंडा छोड़ना चाहता हूँ। पर सबसे पहले, तुम्हारे भाई ने बोला था ना आर्मरडिलो जीतेगा, और आर्मरडिलो जीत गया, वो भारी बहुमत के साथ। सब अपडेट की बात करें तो माइनक्राफ्ट 1.21 के उन्होंने सारे अपडेट तो रिवील नहीं करे, पर उन्होंने जितने भी करे वो सब के सब एक नंबर अपडेट। सो अब चलते हम लोग अपडेट। सो माइनक्राफ्ट का जो 1.21 अपडेट है वो बेसिकली एडवेंचर अपडेट होगा, जो कि मुझे बहुत पसंद है। और हाँ, एंड में तुम लोगों के लिए एक अपडेट लीक भी है, जो मैं बिल्कुल एंड में दूंगा, डोंट वरी। सो 1.21 की स्टार्ट होती है न्यू स्ट्रॉन्ग होल्ड के साथ, जो ट्रायल चेंबर के नाम से जाना जाएगा। नाम पर मत जाओ, क्योंकि ये बहुत ही सेक्सी होने वाला है। और ये अपने को बहुत ज्यादा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग होल्ड टाइप है। सो एंशिएंट सिटी जितनी रेयर है उतना ही अपना ट्रायल चेंबर भी होगा। जैसे ही अपन लोग ट्रायल चेंबर के अंदर घुसते हैं, तो सबसे पहले अपने को लंबा सा हॉल होगा, जिसके साइड में रूम्स होंगे, काइंड ऑफ डंजन, जिसमें लूट बहुत मस्त होने वाली है। ट्रायल चेंबर में बहुत सारे न्यू ब्लॉक्स भी होंगे, जिसमें से एक है अपना टफ ब्रेक, जिसमें ज़िगज़ैग काइंड ऑफ डिजाइन होगा। पर ट्रायल चेंबर को जो सबसे यूनिक और सबसे मस्त बनाता है, वो है वैरायटी ऑफ कॉपर, जिसमें हम लोग कॉपर डोर मिल जाएगा, कॉपर बल्ब मिल जाएगा, कॉपर ट्रैप डोर भी मिलेगा, और तो और कॉपर का फ्लोर भी मिलेगा। सो मेरा लॉजिक जहां तक कुछ कह रहा है, मेरे लॉजिक के हिसाब से ये लोग बहुत तगड़ा कुछ कॉपर का अपडेट लाने वाले हैं, क्योंकि अभी कॉपर कोई यूज ही नहीं करता। कॉपर से ज्यादा डिमांड अपने कोबल्ट स्टोन की है। कॉपर जो बल्ब होगा अपना, उसमें हम लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा और घटा सकते हैं अपनी एक्स के साथ। एक्स बोले तो कुल्हाड़ी, कुछ और मत समझना। ये फीचर तुम मानो या ना मानो, बहुत ही कूल फीचर है। तुम जैसे इस डंजन में थोड़ा सा अंदर जाते रहोगे, तुम्हें चेस्ट मिलेगी। उस चेस्ट के बारे में अभी तक कुछ बताया नहीं है, मे बी उसमें न्यू स्मिथिंग टेम्पलेट हो या कुछ और, बट एक चीज की गारंटी, उसमें लूट बहुत सारी होगी। तुम जैसे थोड़ा अंदर जाते रहोगे, तो तुम्हें एक और रूम मिलेगा, जो काइंड ऑफ चैलेंज रूम होगा, जहां मिलेगा अपने को ट्रायल स्पॉनर, जो बेसिकली वो मॉब स्पॉन करेगा जो उसके आसपास ब्लॉक्स होंगे। अगर अपन माइनक्राफ्ट लाइव की बात करें, तो उसमें स्ट्रे स्पॉन हुए थे, बिकॉज उसके आसपास आइस ब्लॉक्स थे। पर उससे भी खास बात यह है कि कितने नंबर ऑफ मॉब स्पॉन करेगा, वो डिपेंड करेगा कि तुम कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स हो इन सर्वर। शायद पर प्लेयर पर मॉब हो सकता है, या फिर उससे ज्यादा भी हो सकता है। और ये मॉब्स काइंड ऑफ वेव की फॉर्म में आएंगे, कि पहली वेव में कम, दूसरी वेव में ज्यादा, तीसरी वेव में और ज्यादा। और जैसे तुम इन्हें हरा दोगे, तो तुम्हें मिलेगी लूट, वो भी डायमंड और एमराल्ड। उसके बाद ट्रायल स्पॉनर को मिल जाएगा कूलडाउन, ताकि उसकी शक्तियों का कोई गलत इस्तेमाल ना कर सके। पर मैं फिर भी दावा दे सकता हूँ कि लोग उसे एज अ एमराल्ड और डायमंड फार्म की तरह यूज करेंगे, और लोग इसका जो गंदा फायदा उठाने वाले हैं वो तुम्हें बता नहीं सकता। और इसके साथ साथ एक बहुत ही क्यूट सा मॉब आने वाला है, जो कि एक हॉस्टाइल मॉब होगा। और ये मॉब वोटिंग वाला मॉब नहीं है, ये कोई डिफरेंट मॉब है, जिसका नाम होगा ब्रीज, जो विदर और वैक्स का बेटा होगा, मतलब उनके बेटे जैसा लगेगा। और ये अपने को हवा का झोंका मारेगा, जो अपने को ज्यादा कुछ डैमेज तो नहीं देगा, पर ये अपने को ट्रैप में फंसा सकता है, और वो ट्रैप बहुत ही खतरनाक होने वाला है। और इस चीज की मैं तुम लोगों को गारंटी दे सकता हूँ। मुझे ये भी लगता है कि इसमें वो और भी चीजें ऐड करेंगे ट्रैप्स के साथ साथ, ताकि इस जगह को वो और डिफिकल्ट बना सके। तो मोजंग ने लाइव में एक विलेज को भी दिखाया था, जिसमें कॉपर डोर और कॉपर ट्रैप डोर यूज कर रखे थे। आई डोंट नो कि ये विलेज ऐड होने वाला है कि नहीं। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि ये ऐड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, फिर मैं थोड़ा बात करूं माइनक्राफ्ट वालों से। अब आते हैं इस अपडेट की सबसे बेस्ट चीज पे, जो मैं शर्त के साथ कह सकता हूँ, कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि माइनक्राफ्ट ये भी ऐड कर सकता है इस गेम। मैं तो कभी नहीं सोचा था कि आने वाले 100 सालों में ऐसा कुछ ऐड होने वाला है। सो मैं जिस चीज की बात कर रहा हूँ, उसे कहते हैं क्राफ्टर, जो ऑटोमेटिक क्राफ्टिंग करेगा। मैं तो शॉक्ड हूँ, आपका पता नहीं। तो बेसिकली बात करें तो आप स्टैक ऑफ आइटम घुसा सकते हैं स्लॉट्स में, और उसके बाद उसके ऊपर एक बटन लगा दो, और जब भी बटन क्लिक करोगे तो आपको वो सामान दे देगा, जो भी आपने उसके अंदर डाला होगा। चलो यहाँ तक तो ठीक था कि हम चीजें डाल दे रहे हैं और वो बना कर दे दे रहा है, पर उन्होंने इसमें ऑटो लोड भी कर दिया। लो कर लो बात, तो बोले तो रेसिपी डाल दो और वो ऑटोमेटिकली मिलती रहेगी हॉपर के थ्रू, काइंड ऑफ फार्म। बट मैं एक चीज दावे से कह सकता हूँ, और इस चीज के लिए मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ, कि लोग इस चीज को कितना गलत इस्तेमाल करने वाले और क्या क्या तड़कती भड़कती चीज बनाने वाले। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ लोगों की कलाकारी देखने। तो कुल मिला के अपडेट 1.21 बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। और जहां तक मुझे लीक मिली है कि शायद इस बार एमराल्ड आर्मर भी ऐड हो सकता है, तुम लोगों क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। और हाँ, बुरी खबर तो सुनते जाओ, गरम हो गए ना इतनी सारी अपडेट सुन के, अब थोड़ा ठंडा हो जाओ गाइस। तो बुरी खबर ये है कि ये अपडेट अपना आने वाला है नेक्स्ट ईयर, वो भी जून, तो बहुत 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 दूर है ये अपडेट। पर सबर का फल तो मीठा होता है, तो देखते हैं। और मुझे लगता है कि सिर्फ 30-40% अपडेट है जो 1.21 के उन्होंने रिलीज किया है, बाकी का 60-70% स्टिल अपने को नहीं पता है। सो गाइस, एंड में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर दिया करो भाई। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।